हरियाणा का चुनाव बच नहीं रहा है कांग्रेस को। नहीं देखिए, निश्चित तौर से इस बार का जो चुनाव जो था वो निश्चित तौर से आम जनता लड़ रही थी, आम जनता का चुनाव था और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ काम किया। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने मेहनत किया, परिश्रम किया। अब क्या कमियां रह गई, क्या वहाँ समस्याएं आई, उसकी समीक्षा हो रही है, मीटिंग भी हुई है अभी खड़गे जी के घर पे। आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी और वरिष्ठ नेतागण बैठे थे। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसकी समीक्षा करके उन चीज़ों को बाहर निकाला जाएगा और निश्चित तौर से जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की हैं पार्टी जरूर से विचार करेगी। चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी गई है ईवीएम को लेकर के? हाँ, कुछ ऐसी जगह पर कुछ सीटों को खासकर चिन्हित किया है कांग्रेस पार्टी ने। जहाँ तक मेरी जानकारी के साथ 20 सीट की जानकारी करके और 20 सीट की पूरी मुकम्मल तैयारी करके चुनाव आयोग को दिया गया है कि जहाँ पर गलतियां हुई हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित किया गया है। हारने पर ही शिकायत होती है कांग्रेस की, ये देखा गया लगभग। हिमाचल में कहीं शिकायत नहीं हुई, कहते हैं कि राजस्थान में शिकायत हुई, आपको कर्नाटक में शिकायत नहीं होती है। जहां जीतते हैं वहां शिकायत नहीं होती है, जहां हारते हैं वहां। देखिए देखिए भाजपा भी जहां हारती है वहीं तो बोलती है। हारने की कोई भी इंसान हो, हारने की बाद ही ना उसकी कमियां देखता है कि भाई हमारे अंदर किस कारण से हम हार गए। जीतता देखिए ईवीएम एक कारण वो भी है, पर हम हार के बाद ही तो समीक्षा करते। कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई क्रिकेट में हार जाता हो, चाहे स्पोर्ट्स के मैदान में हार जाता है, तो उसके बाद ही लगता है कि नहीं क्या कमी रह गई जो हम हार गए। जीतने के बाद तो लोग जश्न मनाते हैं। नहीं, चुनाव आयोग से शिकायत करने का मतलब है कि ईवीएम पर सवाल उठाना। निश्चित तौर से देखिए ईवीएम पे तो आज की बात है नहीं, कि हरियाणा के बाद ही उठाई गई है। ये भी सोचना चाहिए भाजपा को और लोगों को कि ईवीएम की बात आज से नहीं उठ रही है। ये कई विगत मुझे लगता है 5-7-8 सालों से कई प्रदेशों के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में भी बातें आई हैं। तो मुझे लगता है जब इस तरह की शंकाएं आ रही हैं तो बैलेट पेपर से कराइए चुनाव, क्या दिक्कत है कराने? पूरी सरकारी मिशनरी आपके पैसे, सारी व्यवस्था है, कराना चाहिए। क्यों डर रहे हैं? पूरे दुनिया के अंदर जापान में, अमेरिका में, हर जगह चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो रहे हैं। आप यहाँ क्यों ऐसा परेशान है, क्यों घबरा रहे हैं? चुनाव कराइए। चुनाव आयोग में शिकायत से आपको न्याय मिलेगा ये लगता है? अब देखिए शिकायत तो की गई है, अब चुनाव आयोग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से प्रभावित रहता है। अब उस पर क्या न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो अभी समय का इंतजार करिए। चुनाव के बाद कोर्ट में भी जाएंगे? अब वो पार्टी जो निर्णय लेगी, निश्चित मुझे लगता है कि निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जयराम रमेश ने इस बार कहा है कि इस बार हम लोग तथ्यात्मक सबूत के साथ चुनाव आयोग में शिकायत की। वही मैंने कहा ना कि जो 20 सीट का जो प्रकरण रहा है, 20 सीट के साथ पूरे प्रमाण के साथ हमारी डेलीगेशन जो गया था, वो डेलीगेशन ने पूरी अपनी विरोध दर्ज कराया है और प्रमाण के साथ उन्होंने कुछ वहां पर रिकॉर्ड दिए हैं। हरियाणा चुनाव में क्या राम रहीम और केजरीवाल को चुनाव के दौरान छोड़ा गया, ऐसा भी प्रभाव, ये भी प्रभाव था? निश्चित तौर से आप देख सकते हैं, राम रहीम को छोड़ने वाला व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा उनको पेरोल दिया, वो सुपरिटेंडेंट, उसको भाजपा ने टिकट दिया, वो विधायक हो गया। वो जिसने 5 या 6 बार उनको पेरोल दिया, वो विधानसभा उसको दिया, टिकट दिया भाजपा ने। तो ये पूरी तरीके से राम रहीम ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, काम किया है। वही कारण है छोड़ने का, पेरोल बार बार देने का कारण है कि भाजपा को पूरा सपोर्ट किया है और पूरी तरीके से मदद करके वहां पे भाजपा, क्योंकि जानते थे कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो हमें पेरोल मिलेगा नहीं, हम छूट नहीं सकते। भाजपा की सरकार में बलात्कार करो, हत्या करो, पाप करो और भाजपा की जय जयकार करते रहो, मोदी की जय जयकार, आपको पेरोल मिलता रहेगा, आपको छूट मिलता रहेगा, आपको संरक्षण मिलता रहेगा। केजरीवाल जी रेगुलर बेल पे लगे थे, उनका बेल लगा था। मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर से, मैं इतना ही कहूंगा कि चुनाव के पहले बेल होना वो भी एक संदेह के निश्चित दायरे में आता है, पर उनका बेल का प्रकरण पहले से चल रहा था। वो तो मैं समझता हूं कि जो रेगुलर जो प्रोसेस था उसके तहत उनको बेल मिली है। और राम रहीम का तो साबित होता है कि ये चुनाव के समय छोड़ना, निश्चित तौर से ये चुनाव को प्रभावित किया उन्होंने और भाजपा के खुले तौर पर मदद की। चेन्नई में एक ट्रेन हादसा हो गया है जिसमें राहुल जी ने ट्वीट भी किया है, तो बार बार ये ट्रेन हादसा क्या करता है? अब इनके मंत्री जो हैं, रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी, उनके हिसाब से तो बहुत छोटी घटना है, वो बहुत सी छोटी घटना है। छोटी छोटी घटनाओं पे लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये उनको लगता है कि बहुत छोटी घटना है और कहीं ना कहीं वो भी एक मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्योंकि हर जगह ट्रेन घटना को तो कॉन्स्पिरेसी बताई जा रही है कि वो जो है
कहीं ना कहीं उस पर संदेह पैदा किया जा रहा है कि हो सकता है कोई ऐसी घटना हो आतंकवादियों के द्वारा प्रायोजित हो। जितनी ट्रेन की दुर्घटनाएं घटी सब पर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी संदेह की बात की है। आप समझ सकते हैं कि इनकी वर्किंग प्रणाली क्या है, लोगों की जान जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट करोड़ों करोड़ रुपये उस पर पूरी तरीके से सरकार का घाटा हो रहा है। पूरी तरीके से पूरे रेलवे विभाग को भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया है। पूरी तरीके से ये इसको जिसको कहा जाए बेच दिया है, वो काम इन्होंने कर दिया और हमारे देश की जनता की जो कीमत है वो पूरी तरीके से ये इन्होंने दूसरे के हवाले कर दिया है। आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, हमारे देश की महान जनता उसमें उसके उसका दुख भोग रही है। आज रेल यात्री मर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और अब मैं छोटी सी घटना में कहूंगा कि अश्विन बैसरोन जी को छोटी घटना के ध्यान देते हुए तत्काल इनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके अपने घर जाना चाहिए क्योंकि इनके बस का संभालना नहीं हो रहा है। आज दशहरा है, रामलीला मैदान दिल्ली में आज दशहरा पे रावण को मारा जाएगा, प्रधानमंत्री की तरफ से तीर छोड़ा जाएगा, कौन रावण है और कौन? देखिए, जो रावण का मतलब क्या है कि जो अपने अंदर बैठा हुआ रावण है, राम रावण दोनों हमारे अंदर विराजमान है, तो हम रावण को आज खत्म करते हैं और राम को हम अपनाते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हम अपनाकर उस पर अपना जीवन आगे ले चलते हैं और राम जो रावण रूपी एक व्यक्ति अंदर बैठा है हमारे मन के अंदर उसको हम खत्म करते हैं। मेन संदेश यही है, भगवान राम ने यही संदेश दिया है, यही प्रभु ने कहा है। तो आज मुझे लगता है कि जो अंदर बैठा रावण है, जो निश्चित तौर से जो चीजों को पूरी तरीके से आज इंसान को बदलने का काम करता है, उसको आज खत्म करने का दिन है। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को आज इस दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना करता हूं। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।